हाथ उठाकर परमेश्वर तेरी महिमा कर रहे हैं पवित्र आत्मा, जिनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनकी हो आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज बंधन टूटने पाए परमेश्वर, जैसे कोड़ी तेरे पास आया और विनती करने लगा परमेश्वर, और उसी समय मेरे प्रभु तूने उसको छुआ और चंगा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जिसके ऊपर आज हाथ रखूं पवित्र आत्मा जी, आज उसकी सच में पवित्र आत्मा जी अनॉइंटिंग उसके ऊपर उतरने पाए परमेश्वर। चंगाई सच में आज रिलीज होने पाए स्वर्ग से। आज आशीषें खुलने पाए, बंद पड़े ताले खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनकी हो परमेश्वर आज से। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी तुझे ढूंढ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवनों में आशीषें आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा सच में परमेश्वर तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज कोई जन खाली याद नहीं जाएगा। गांव शाबाश, परमेश्वर आशीष देगा। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज? अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहो, फिर से कहो, तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया। बोलो 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 यीशुआ, यीशुआ हमारे बीच में। बोलो 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 हमारे बीच में। यस पवित्र आत्मा हमारे बीच में। हमारे बीच में यीशुआ, हमारे बीच में यीशुआ, यीशुआ हमारे बीच में। यीशुआ हमारे बीच में, आ यीशुआ, यीशुआ हमारे बीच में, आ यीशुआ, यीशुआ हमारे बीच में। आ पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में। अपनी सामर्थ से भर दे अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ से भर दे अभिषेक मेरा कर दे। हालेलुया पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, आ पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में। कमजोर हो कमजोरों को तगड़ा बना दे, कमजोर हो कमजोरों को तगड़ा बना दे, परिपूर्ण करके रजा, परिपूर्ण करके रजा। हालेलुया आप पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में, आप पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में, आप पवित्र आत्मा हमारे बीच में। आ यीशुआ, यीशुआ हमारे बीच में, आ यीशुआ, यीशुआ हमारे बीच में, आ यीशुआ, यीशुआ हमारे बीच में। बच्चा नहीं है बाहर आ जाओ, जिसके पास बेटा नहीं है, हर एक जन नहीं आएगा जिसके पास बेटा नहीं है, वो सिर्फ वो बहनें बाहर आ जाएंगी इसी समय। आने दो वॉलंटियर, जिसके पास बेटा नहीं है, सिर्फ सिंगल हस्बैंड की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप आए शाबाश। जिसके पास बेटा नहीं है बाहर निकले, अपने स्थान को छोड़े नहीं, बाकी वहीं बैठे रहे, पीछे खड़े जाओ शाबाश। हाँ हाँ जल्दी 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 जल्दी, बस बाकी सब वहीं रहे अपने स्थान पर। जिसके पास बेटा नहीं है लाइन लगाओ, जल्दी करो, पीछे 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 पीछे। फिर से कहो, फिर से कहो, पीछे पीछे पीछे, मेरे स्टेज से पीछे, मेरे स्टेज से पीछे, लाइन लगाओ लाइन। वॉलंटियर एक दौड़ कर आ इधर, बीच में खड़ा हो इनके। सुनो किसी की प्रार्थना नहीं करूंगा मैं,
आपने अगर आज तमीज से खड़ा होना है तो आपकी प्रार्थना होगी, नहीं तो सब लोग रह जाएंगे, बाकी वहीं रुक जाओ, रोक दे बस थोड़े लोगों को वहीं पर, स्टॉप कर दे। हाँ लाइन लगाओ, शाबाश, कैसे लाइन लगाते, पीछे जाओ, जल्दी करो, बीच में घुस जाए इनके, क्वायर बीच में घुसो इनके, शाबाश, एक लाइन बनाओ, एक लाइन, हाँ हाँ, दौड़ कर जाओ नीचे, करता हूँ तुझसे, हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, पीछे एक लाइन पीछे, आप मेरी बात को समझ रहे, पीछे जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, हाँ हाँ, बीच में घुस जा लड़कियों, एक लाइन के बीच में घुसो इनके पीछे, क्वायर कैसे घुसते हैं, हाँ शाबाश, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, हाँ हाँ हाँ, बाकी वहीं बैठे रहेंगे पीछे चेयर पर, कोई आगे नहीं आएगा, जिसके पास बेटा नहीं है मैंने उसको बुलाया, झूठ बोल कर नहीं आना आपको आगे, जिसके पास बेटा नहीं है वो आएगा बस, हाँ हाँ, लाइन लगाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, आज कोई जन आप में से खाली हाथ नहीं जाएगा, पीछे करो लाइन, पीछे करो एक लाइन आगे, फिर उसके बीच में गैप, मेरे को आपके बीच में आना है, मेरे को आपके सिर पे हाथ रखना है, करवाना है कि नहीं, हाँ या ना, फिर फटाफट अपनी आंखें खोलो, और लाइन कैसे लगाते हैं वैसे लगाओ, जल्दी करो, नहीं तो फिर आज ऐसे ही जाओगे जैसे हर संडे जाते हो, आगे लाइन ठीक खड़ी है, अगली लाइन मत हिले, दूसरी लाइन भी, हाँ शाबाश, फिर से गाओ, फिर से गाओ, फिर से गाओ, आज चंगाई का दिन है चर्च है कि नहीं, अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो आज पादरी मूड में है, आज आपको दिखाएंगे चंगाई क्या होती है, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं, अपने पड़ोसी को स्माइल दो, बोलो आज पादरी मूड में भाई, अगर आप मूड में आए हो आज, मेरा यीशु मूड में आया भाई, चार चार साडा यीशु अज मूड विच आ गया, लंगड़े तोड़ेंगे, साडा यीशु अज मूड विच आ गया, लंगड़े तोड़ेंगे, गेट बंद कर दे, स्टॉप, हाँ हाँ, गेट बंद कर दे, बस लाइन लगाओ, पहले लाइन लगाओ फिर खोलना गेट, पीछे जाओ, शाबाश, अपने स्थान पर, फिर से गाओ, फिर से गाओ, फिर से गाओ, मुझे प्यार किया तू ही ने, मेरा उदार किया तू ही ने, मुझे प्यार किया परमेश्वर पवित्र आत्मा ने, मेरा उदार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया, तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया, शाबाश, और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं इन सब के लिए घुटने टेकता हूं आज परमेश्वर, जो बांझपन है परमेश्वर, आज बांझ पर ना रहे परमेश्वर, इनका बांझपन जाए आज यीशु मसीह के नाम में, जो गूंगे हैं परमेश्वर आज बोलने लगे, जो बहरे हैं वो सुनने लगे आज, मेरे पिता परमेश्वर जिनके बिजनेस बंद पड़े आज खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, हर शराब इनका ऊपर से टूट जाए आज यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा इनके ऊपर तेरी ब्लेसिंग उतरने पाए परमेश्वर, मेरे प्रभु आज कोई इंसान नहीं, यहाँ पर तू खुद मौजूद है यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में, मेरे पिता तू अपने लोगों को छुएगा आज, और ये खाली हाथ वापिस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर तेरा दया वाला हाथ इनके ऊपर बना रहेगा आज यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष इनकी होगी,
अगले 5 मिनट में पवित्र आत्मा आपको हीलिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। बोलो 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 हालेलुया हालेलुया। आहा गाओ गाओ शाबाश शाबाश। हालेलुया 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 आमीन। तेरा जी के उठना मेरे लिए तेरी फतह का ऐलान। मसीहा तेरे लिए मेरी जान भी है फिदा, तेरी सलीब मेरे लिए मेरी जिंदगी का निशा। हालेलुया 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 आमीन। Hallelujah, 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 amen. Masiha tere liye, meri jaan bhi hai fida, teri saleeb mere liye, meri jindagi ka nishaan. हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ शमश और इसी समय पवित्र आत्मा जी में प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आज इनके हाथों पर परमेश्वर तेरा सच में पवित्र आत्मा चमत्कारी हाथ इनके हाथों पर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनकी हो यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनकी हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज मैं बारी बारी सबको आगे बुलाऊंगा, जिसकी जो समस्या होगी परमेश्वर आज सबको आजाद करेगा। बोला हालेलुया। एक अनॉइंटिंग ऑयल थाली में डाल कर लेकर आओ, इनके सिर पर पूरा ऑयल डालना है आज। आज आपकी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। जिसके मैं सिर पर हाथ लगा रहा हूँ, आपको लगे कि मेरे ऑयल लगा या सिर पर, तो उसी समय वो ऑयल लेकर अपने पेट पर लगाना जिनको बच्चा नहीं है। समझ रहे कि नहीं? आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। yes. आप विश्वास करते हैं परमेश्वर है यहाँ पर? yes. विश्वास करते हैं? yes. पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ। कोई सुमन है आप में से? सुमन सुमन जिसके पास बेटा नहीं है? हाँ कम यार। सामने खड़े हो जाओ। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है परमेश्वर। हाँ हाँ सुमन। हाँ बस 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 सुमन। इसी समय क्यों रो रही है? क्यों रो रही है पता है? वो इसलिए रो रही है क्योंकि परमेश्वर ने इसको पुकारा है आज। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि आप वहां से पीछे से निकल कर आए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं मेरे पास बेटा नहीं है। आप परमेश्वर के सामने रो रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तू मां नहीं बन सकती, बोल रहे हैं बेटा नहीं मिल सकता। आज रात मेरा चेहरा देख ले अच्छे से, और आज रात का ऑनलाइन चर्च आज याद रखना इस भविष्यवाणी को, सुमन बेटा जनेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो यीशु यहाँ आ। ओए मजाक नहीं, सीरियस आज। सारे बोलो मैं मूड में हूँ। देखो सुमन के मुंह से क्या निकला, अभी निकला क्या नहीं? देखो क्या निकला, दिखा नीचे, दिखा लड़की इसको। हाँ कैमरे में दिखा इसको, क्या निकल रहा है? अभी उल्टी कर रही है कि नहीं? ये तो मैं साफ करा लूंगा। इसका नाम लिख लेना, इसका नंबर लिख लेना, बाद में मेरा मैट गंदा कर दिया इसने, 500 लेना इससे। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप कुछ भी करो आज निकाल कर जाओ, जितना खाया पिलाया आज निकालो आज। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा पादरी का जीवन ऐसा ही होता है, आप बाहर खाते हो और पादरी हाथ करता है निकाल दे निकाल दे। सारे बोला हालेलुया। आपने कुछ भी खाया आज निकलेगा आज। बोला हालेलुया। आपको टाइम मिलेगा चर्च,
आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आप आशीषित हैं, आशीषित रहेंगे। देखो सोमन को पुकारा, निकला कि नहीं? अभी निकला, कितना अंदर से कितना माल निकला, कितना देख लो आपके सामने, क्या क्या इसने पकोड़े छोले क्या क्या खाए होंगे आज, सब निकलवाए कि नहीं? आज जितनी औरतों ने गोलगप्पे खाए निकलवा के भेजूंगा आज, सारे बोलो हालेलुया। एक औरत कह रही है आमीन हालेलुया। सोमन ये उल्टी तेरी है ना, इनको दिखा रहा हूँ लाइव वालों को, आंखें खोल और बताइए उल्टी तेरी है कि मैंने करी है? तेरी है। एक दिन तुझे ऐसी उल्टी आएगी जैसे औरत को गर्भवती में आती है। हालेलुया 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 हालेलुया। छोड़ दो सुमन को, छोड़ दो सुमन को, आउट यीशु के नाम में। गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इधर कर कैमरा इस वाइट शर्ट वाली पे, और सुन बड़ी देर से मैं कैमरा कर इस पे वाइट शर्ट वाली पे कैमरा कर रही है। जब मैं इसके लिए दुआ कर रहा था ये देख रही थी, करी मेरे मेरे बारे में तो बोल रहा ही नहीं। सोच रही तू मीनू कौन है? मीना मीनू किसको जानते हो, किसको जानते हो? मीना मीनू। हाँ हाँ सुनो सुनो, सामने सामने जो सुनो ध्यान से। हाँ क्या नाम है लड़की तेरा, क्या नाम है? नीलम। हाँ हाँ नीलम, सुनो जो जो मीनू है ध्यान से सुनो, सामने रहो। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा छूने के लिए जा रहा है, अभी ब्लेसिंग मिलेगा आपको। आगे जा आगे जा। कितने साल से बच्चा नहीं है? साल हो गया, है? 5 साल हो गया। कहाँ से आए आप? चंडीगढ़ से। अमरजीत कौन है? मेरा पति। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप देख लो इसका चेहरा, आप देख लो इसका चेहरा अच्छे से। आप रो रही है कि नहीं? पहले सोच रही थी कोई डमरू बजाने वाला आ गया, पहले सोच रही थी शायद कोई खेल खिडौने वाला आया हुआ चर्च में, आज नहीं, अरे यहाँ पर यीशु नासरी आया हुआ आपको बरकतें देने के लिए। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, ये परमेश्वर है आज। हाँ हाँ कौन है अमरजीत, जोर से बोल। मेरा पति। हाँ कान पे लगेंगे धर्मेंद्र तेरे। हाँ किसका पति है? मेरा पति। तू क्या सोच रही थी कि मैं खाली आ जाऊंगी? नहीं पापा जी, आज कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। आमीन। मेरे हाथों की तरफ देख, और निकल रही है वो चीज तेरे अंदर से, आउट निकलो। चलो हाथ से डर रही है आज, आज मेरे हाथ से डर रही है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? Yes. आज ले हैंड प्रेयर है कि नहीं? Yes. यीशु मसीह ने एक कोड़ी को बुलाया और उस पर तरस खाया और उसके ऊपर हाथ रख दिया, उसका कोड़ जाता रहा। हालेलुया। Yes. मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, बोल हालेलुया। धर्मेंद्र से पूछ हाथ रखवाना सिर पे, खड़ी होके देख, खड़ी होके देख, खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो, देखो 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 देखो, खड़ी हो, शाबाश। हाँ खड़ी हो, देखो देखो, शैतान को डर लग रहा है कि मैं इसके सिर पे हाथ ना रखूं। आगे आगे आबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। आगे देखो शैतान को डर लग रहा है, उसको पता है इसने सिर पे हाथ रख दिया, आज बेटा होगा इसको यीशु मसीह। हालेलुया 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 आमीन। यस, स्टेज पर लेंगे फटाफट, गवाहियां स्टेज पर लेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट। नहीं होगा बच्चा, नहीं होगा बच्चा, हैं बोलने वाला तो नहीं होगा। कौन बोल रहा है? बस मेरे पैर नहीं छूना,
मसीहा तेरे लिए मेरी जान भी है फिदा, तेरी सदी मेरे लिए मेरी जिंदगी का निशान। बेटा हो यीशु मसीह के नाम में इसके गर्भ में, आशीष है यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। आज मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छुएगा और इसी समय हाथ पकड़ेंगे दूसरे का शाबाश और प्रभु का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। जल्दी जल्दी पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है आज इसी समय। चाहते हैं आप आशीष लेना? हाँ, आपने कहीं नहीं जाना, उसके बाद यहीं बैठ जाना है। जैसे ही प्रभु आपको छुए तो लाइन बना के ही बैठ जाना। वचन के बाद मैं आपके सिर पे हाथ रखूंगा, आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। हाथ तक उठाओ शाबाश। अबला बा शबला बा, हाथ पकड़ो, उसका पीछे कर, पीछे कर, हाथ पकड़ो और इसी समय तीन कर रहा हूँ, जोर से बोलना यीशु, एक दो तीन, ये देखो आ गया यीशु, फायर टच, हालेलुया। और इसी समय तीन बार उछलो लेडीज, उछलो, बोलो मैं माँ बन गई हूँ, बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। अपने स्थान पर बैठ जाओ सब, शाबाश, हाँ गवाही के साथ अपने स्थान पर बैठ जाओ, शाबाश, हाँ हाँ, जितनी गवाहियां आ रही हैं और सब बैठ जाओ, क्वायर अपने स्थान पर बैठ जाओ, शाबाश, हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी, हालेलुया। शाबाश, गवाही के साथ, हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रही है 14 साल से इस बहन के पास बेटा नहीं था और बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत दुखी थी, लोग ताने दिया करते थे और ये रोती थी बैठकर। बता रही कि विश्वास के साथ आपकी प्रोफेसी को रिसीव किया और प्रार्थना किया, वह तेल इस बहन ने इस्तेमाल किया, आज परमेश्वर ने इसे बेटे के साथ ब्लेस किया। उतना जोड़ा ना से यीशु ने, चावे ना किसे तो खोया, उतना जोड़ा ना से यीशु ने, चावे ना किसे तो खोया। हालेलुया, सारे बोल हालेलुया। आप देखो क्यों रो रही है बहन ये, शाबाश, उठो उठो उठो, उठ बेटे, उठो उठो, हाँ हाँ, क्यों रो रही है ये आप सुनेंगे। हाँ सुनो, हाँ यही रख कैमरा और सुनो ध्यान से, क्यों रो रही है बहन ये पता है आपको? 14 साल थोड़े नहीं होते चर्च। कहाँ से आए बेटे? पटियाला से। पटियाला से 14 साल हो गए, बेटा नहीं था और जैसे ही इसने anointing water oil लिया और यहाँ पर आई। मैं धन्य होगी बादशाह जी का हाथ। मैं बहुत देर से सोच रही थी कि मैं बादशाह जी से कैसे मिलूं, मगर आज प्रभु ने मुझे बेटा भी दे दिया और बादशाह जी का हाथ भी दे दिया। Hallelujah! इतना जोया ना दिया सुने, तमे ना किसे तो खोया। Hallelujah! देख रहे हैं, हाथ रखा उसके ऊपर से बंधन टूट गया आज। हालेलुया, बच्चा तो मिला ही मिला लेकिन उसके ऊपर हाथ रखा, जो प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो रही है आज यीशु मसीह के नाम में। हाँ उठो बेटे, उठो उठो, ये गुड न्यूज है। आजा शाबाश, बच्चा लेके आ शाबाश, इधर आजा आजा शाबाश। देखो पटियाले से, पटियाले से आई, 14 साल से बच्चा नहीं था और आज देखो कितना सुंदर बच्चा इसको मिला है। तारीफ करो अपने जो आगे जिनके पास बच्चा नहीं, अपने पड़ोसी को एक दूसरे को देखकर तीन बार हंसो, बोला तू भी माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे। कौन सी क्लास में पढ़ के फेल हो गया था तू? लिमिट बोल रहा है लीवर को।
लीवर टोटली डैमेज हो गया था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था विश्वास के साथ जब ये चर्च में आए और उनकी ले हैंड हुई और घर के रिपोर्ट करवाई, परमेश्वर ने नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया है। मैं जिसको सुनूंगा पवित्र कर दूं। कहां से आए? हांसी हरियाणा से। कब से लीवर में प्रॉब्लम? दो महीने से। कैसे ठीक हुए? आपने ले हैंड की, मैंने प्रेयर भी कराई, प्रेयर टावर ले हैंड प्रे कराई और आज आजाद हो गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज आपने पड़ोसी का बोला आज तेरी बारी है, ले हैंड होगी आज तेरे लिए। तारीफ करो जोर से, जाए जाए नेक्स्ट नेक्स्ट। मैं जिसको छूलूंगा पवित्र कर दूंगा, दौड़ेंगे। जल्दी जल्दी फटाफट। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है ये, मैं बता रही। इसका बेटा 2 साल से यूएसए वीजा के लिए ट्राई कर रहा था, लग नहीं पा रहा था। विश्वास के साथ आपकी प्रोफेसी को इस बहन ने रिसीव किया और इनके बेटे ने रिसीव किया। आज परमेश्वर ने यूएसए वीजा के साथ ब्लेस किया। ओ मजा लग गई आने, 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 ओ मजा 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 मजा, ओ मजा लग गई आने, ओ मजा लग गई। मेरे पास आजा दौड़ के शाबाश, दौड़ के आजा शाबाश, दौड़ के आजा, दौड़ के आजा, दौड़ के आजा। कहाँ से आई तू, कहाँ से आई? पैर मत छू पहले, कहाँ से आई जल्दी बताओ, करनाल से। देखो सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। हाँ हाँ, परमेश्वर आपको आशीष दे। किसका वीजा लगा? कहाँ पर है वो? यूएसए। देखो आपके सामने करे ले एंड प्रे कराई और हरियाणा से आई, कहाँ से आई? करनाल, हरियाणा से आई है, बता रही है यूएसए का वीजा लग गया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। दिता जो या ना दिया सुने, जावे ना किसे तो खोया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए लल्ली क्या कर रहा तू इसी समय, विश्वास करने वालों के लिए जो हाथ उठा रहे हैं इसी समय। देखो मैं फिर इस बहन को इसके सिर पर हाथ क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि अब इसके घर में बहुत सारे डॉलर आने शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मिराकल मनी हो जाए, मिराकल मनी। अरे चाहते हो कि नहीं? yes. अरे हाँ कि ना? आशीष मिलेगी आज से यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से, जोर से, जो या ना दिया सुने। हालेलुया, जय मसीह की सारी कलीसिया को, जय मसीह की प्रोफिट पापा जी को। मेरे मैंने ऑनलाइन प्रोफेसी भी रिसीव की थी और ले एंड प्रेयर भी करवाई थी। मेरे बेटे का यूएसए पहुंच चुका है। हालेलुया, आमीन, धन्यवाद प्रभु यीशु का, धन्यवाद। वैसे मैं किसी के अंगूर लेके नहीं खाता, इसका लड़का यूएसए चला गया इसलिए आज मैंने स्पेशल अंगूर खाया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? yes. ये अंगूर मिठे मिठे, तुम्हारे दांत खट्टे नहीं होंगे। चर्च वो साडा यीशु अज मूड विच आ गया, लंगड़े तोड़ेंगे, साडा यीशु अज मूड विच आ गया। सारे बोलते हैं, कह रहे हैं कि दांत खट्टे हुए, हमारे बाप सारे अंगूर खा गया। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया। प्रॉफिट जी दोनों गवाहियां पाइल्स की है। हाँ। ये बहन बता रही कि इनके हस्बैंड को 3 साल से, उनको 2 साल से पाइल्स थी। हाँ। और उनको दो अभी डॉक्टर लास्ट टाइम ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे कि आप ऑपरेशन कराओ, बिना ऑपरेशन के आप चंगे नहीं होगे। विश्वास के साथ जब चर्च में आए, एनॉइंटिंग ऑयल और वाटर यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, पाइल्स से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। मैं जिसको छूलूंगा पवित्र कर दूंगा। हम छत्तीसगढ़ से। और हम कहाँ से आए हैं? आप तो चंडीगढ़ से। अच्छा, क्या प्रॉब्लम था आपको? मेरे को 2 साल से पाइल्स का प्रॉब्लम था। कैसे ठीक हुए? तो मैंने आपने लेहन एक रोक रात को किया था, तो मैंने रिसीव करो, जिसका पाइल्स का प्रॉब्लम है वो सुन रहे हो कि नहीं? धुआं बन के उड़ रहा है, तो मैंने रिसीव किया और वो धुआं बन के उड़ चुका है। बोल रही है कि लेहन प्रे कराया, बवासीर भाग गई है चर्च। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, गवाहियों के साथ जल्दी जल्दी, आज गवाहियां कम लेंगे। सबको जय मसीह की, पापा जी को भी जय मसीह की। मेरे इस बैंड को 3 साल से पाइल्स थी, तो मैंने एंटिंग ऑयल मेरी चाची ने दिया था, वो लगाया, 1 साल हो गए, खत्म है। और मैं गवाही देने है भाई, चाची खत्म हो गई कि बवासीर खत्म हो गई? पाइल्स खत्म हो गई, बवासीर खत्म होगी। तारीफ करो जोर से, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। मुक गई मुक गई मुक गई, अंधेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, अंधेरे आधी रात मुक गई, अंधेरे आधी रात मुक गई।
मैं देख रहा हूँ दूर से, मेरी आंखें बड़ी तेज है, मैं देख रहा हूँ 8 साल से बोन्स में प्रोफेसर इस भाई का 8 साल से बिजनेस ठप पड़ा था, चल नहीं रहा था। जैसे ही आपकी प्रोफेसर को रिसीव किया, प्रार्थना किया, वो तेल वाटर लगाया, ये बता रहे कि इनका बिजनेस चल चुका है, ये ब्लेस हो चुके हैं। जेक तरी वाचा बंद हो गया सारे बड़े हालेलुया। ये गवाही वालों की लैंड होगी आज, जो गवाही देकर जा रहे हैं उधर बैठा दो पीछे लाइन में, शाबाश इनके पीछे जिनके पास बेटा नहीं है, जाओ दौड़ के शाबाश, जिनकी अभी लैंड करूंगा मैं, जाओ उधर बैठा दो शाबाश, दौड़कर जाओ 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 शाबाश, पवित्र आत्मा छुए और बरकत है, इसकी गवाही ले शाबाश। ये लड़की जो चलती नहीं है, हाँ इसको, हाँ गवाही ले, क्या क्या प्रॉब्लम है, अपने हाथों को उठाओ शाबाश, जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से आइए, अपने सिर पे हाथ रखें, जो लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, अपने सिर पर हाथ रखो, पवित्र आत्मा आपके जीवन में ब्लेसिंग देना चाहता है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी जिन लोगों ने बीज बोया है परमेश्वर उनके घर में आशीष आने पाए, पवित्र आत्मा वो लोग इस समय परमेश्वर तेरे अनुग्रह में बने रहे यीशु मसीह के नाम में, तेरा वचन इनकी जिंदगियों में आशीष लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। जोर से तारीफ करो आज, कितने लोग खुश हैं आज, खुश हैं आज, आज सबके लिए पवित्र आत्मा आशीष देगा। मरकुस की किताब 1:40 जल्दी से खोलें फटाफट, मरकुस की किताब 1:40। कितने लोगों के कामों पर ताले लगे हुए हैं, किसको ऐसा लगता है कि मेरे कामों पर ताले लगे हैं, जो ऑनलाइन भी मुझे देख रहे हैं, किसी को लगता है कि आज मेरे कामों पर ताले लगे हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर बंद पड़े तालों को खोलने के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपके बच्चों के कामों पर ताले लगे हों, आपकी दुकान पर करा, आपके बिजनेस पर, आपके शरीर में चंगाई पर करा के ताले लगे हों, आप एक भी ताला खुलवाना चाहते हो, आप दर दर घूम रहे हो, आप जगह जगह जा रहे हो, ताला खुलवाने कहां जाते हैं लोग, अरे जब चाबी नहीं मिलती कहां जाते हैं, कोई बताएगा, अरे कहां जाते हैं, अरे बताओ हरियाणा के लोहार के पास जाते हैं कि नहीं, अरे जाते कि नहीं, किसके पास आए आज, चुप, लोहार के पास ना कहना आया आज, आज लोहार के पास नहीं आया आज, आज लोहार के बाप के पास आया, उसका नाम यीशु है, आपको विश्वास करना है, सारे बोला हालेलुया। वो लेकिन आपका कह रहे लोहार को ताला तोड़ना पड़ता है, समझ रहे हैं कि नहीं, कह रहे लोहार को ताला तोड़ना पड़ता है, लेकिन आज परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा कि अगर आज आप किसी भी काम में फ्लोप है तो परमेश्वर आज आपको बता रहा है कि आपको जगह जगह जाना नहीं पड़ेगा ताले खुलवाने के लिए, क्योंकि आज मैं आपको चाबी देकर भेज रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। लो कैच करो चाबी, आज करो कैच, लगाओ अपने पेट पर, खुला के नहीं, अपने दिमाग पर लगाओ, अपने कान पर लगाओ, जहां ताला लग रहा है बंद है लगाओ आज यीशु मसीह के नाम में, लगाओगे कि नहीं, कह रहा ये वो ऑयल है, कह रहे जब आप लगाते हैं आपके ताले खुल जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। याकूब की पत्री में लिखा, कह रहे कि जब तुम बीमारों के ऊपर तेल मलो, हाँ याकूब की पत्री में से पड़ेगा धर्मेंद्र, और 5वां अध्याय उसमें देखो फटाफट, लेकिन उससे पहले मरकुस की किताब में देखो क्या लिखा, स्क्रीन पर हम सुनेंगे, कोई पढ़ेगा हमारे बीच में, हाँ हाँ मरकुस की किताब 1:40, कोई जन पढ़ो, देखो क्या लिखा, और एक कौड़ी यीशु के पास आकर उससे विनती करके और उससे कहने लगा, घुटने टेक कर उससे कहने लगा, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। क्या लिखा यहां पर, कह रहा है कि एक कौड़ी यीशु के पास आया, उसका कह रहा है कि शरीर के अंदर लाइलाज बीमारी थी, मतलब कोढ़, जब पुराने पुराने जमाने के अंदर जब किसी को कोढ़ हो जाता था तो कोढ़ ऐसी बीमारी थी कि गांव के अंदर हल्ला मच जाता था, अगर किसी व्यक्ति को कोढ़ होता था तो उसको बता दिया जाता था कि तू करे के गांव से बाहर रहेगा, और पूरी पंचायत उसके घराने को भी करे अगर कोई रोटी खिलाने जाता था तो उसको गांव से बाहर निकाल दिया करते थे, क्योंकि जो कोढ़ी के पास जाएगा उसको भी कोढ़ हो जाएगा, बहुत सारे लोग कोढ़ से ग्रस्त हो जाते थे, और कोढ़ी के अंदर एक बीमारी होती थी, कोढ़ उंगली से शुरू होता था और धीरे धीरे आपने देखा होगा लोगों के हाथ खत्म हो जाते हैं और एक दिन उसको मरना तय होता था, ये बीमारी लाइलाज बीमारी थी, मतलब कोई कोढ़ हटा नहीं सकता, कोई कोढ़ हटा नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता वो कोढ़, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने कह रहा उन लोगों को बताया, कह रहा कि अगर तुम विश्वास करो तो कह रहा कि
यीशु मसीह नासरी जब तुम्हारे गांव के पास से निकलेगा, कह रहा जो उसके पास जाकर विनती करेगा, अपने घुटने टेक देगा, अपने घमंड को छोड़ देगा, अपने नाम को, अपने शोहरत को, कह रहा कि बड़े घमंड को छोड़कर यीशु के पास आएगा, कह रहा घुटने टेक देगा, कह रहा कि आज कैसा भी कोड़ क्यों ना हो, आज चला जाएगा उसकी जिंदगी से, कह रहा आज वो कोड़ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि ढोलकी तुझे दिख रहा है, आप सुन रहे हैं कि नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि आज कोड उन लोगों के ऊपर हो सकता है, कह रहा है कि जो आज परमेश्वर के सामने भक्ति नहीं करते, मैं कह रहा हूं जो पाप का जीवन जीते हैं उनके ऊपर कोड हो सकता है, लेकिन अगर आज आपने फैसला लिया है कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं और तेरे दरबार पे आऊंगा, पवित्र आत्मा मेरा कोड चला जाएगा, मैं कह रहा हूं आज हो सकता है कि आज आपके ऊपर कर्जे का कोड हो, बीमारी का कोड हो, आज कैसा भी कोड हो, लेकिन आत्मा ने मुझसे कहा मेरा बेटा है, मेरी बेटी, कह रहा है कि आज मैं पुकार कर कह रहा हूं तुमसे, मेरी आत्मा से होकर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि आज जितने भी लोग यहां पर आए हुए हैं, कह रहा है हजारों लोगों को पवित्र आत्मा बात कर रहा है उनसे कह रहा है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी, सुन अपने दिल के दरवाजे को खोल, कह रहा है कि अगर तू आज कह रहा है कि अपने दिल के दरवाजे को खोलेगा, कह रहा है कि आज परमेश्वर के सामने घुटने टेकेगा, आज विनती करेगा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज कैसा भी कौन क्यों ना हो, आज जाता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि यहां पर लिखा पढ़ेंगे धर्मेंद्र के साथ, हां एक कोड़ी उसके पास आया, हां और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, और उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और से छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। करे कोड़ी यीशु के पास आया, करे इसका मतलब करे कि एक बीमार व्यक्ति को यीशु के घर आना पड़ता है, प्रेजेंस लेने के लिए, ताला खुलवाने के लिए यीशु के पास आना पड़ता है। अगर आज आप यीशु के पास आए, मैं कह रहा हूं कि आज बंद पड़े ताले खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये कोड़ी यीशु के पास आकर विनती करने लगा और प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि प्रभु अगर तू मेरे सिर पर हाथ रख दे, आज मेरा सालों साल का कोड़ जाता रहेगा। इसका विश्वास था, अगर आज हो सकता है कह रहा कि आज आपके ऊपर किसी प्रकार का कोड हो और आप बड़े विश्वास के साथ आए हो कि परमेश्वर कि आज पवित्र आत्मा जी तेरा दास मेरे सिर पर हाथ रखेगा और मेरा कोड जाता रहेगा, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं जब तक आप इस कोड़ी की तरह आप विश्वास लेकर नहीं आएंगे तब तक कह रहा है परमेश्वर चंगा नहीं करेगा। इसका मतलब कह रहा है ये वचन इसलिए बताया जा रहा है कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि जो लोग आज यहां बैठकर परमेश्वर से प्रचार के बीच में मेरे हाथ रखने से पहले विश्वास कर रहे हैं, विश्वास माँ के पेट से नहीं मुंह से बोलकर अंगीकार कर रहे हैं, परमेश्वर तेरा दास मेरे सिर पर हाथ रखेगा, मेरा कोड़ जाता रहेगा, मेरी बीमारी जाती रहेगी, मेरा कर्जा जाता रहेगा, मेरी समस्याएं जाती रहेंगी, मेरे घर के कलेश जाते रहेंगे, आज कह रहे कि वो कर्जे वो खत्म हो जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं वो हाथ पवित्र आत्मा जी इंसान का नहीं परमेश्वर का होगा मेरे सर पर यीशु मसीह के नाम में। अगर आप आमीन बोल रहे हैं तो आजाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है कि आज परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो आज विश्वास कर रहे हैं, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष को देना चाहता है, मैं कह रहा हूं कोई जनिया से खाली आ तो वापस नहीं जाएगा। लेकिन उसी समय कोड़ी बता रहा था कह रहा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कह रहा है सुन रोज रोज तू मेरे पास ताले खुलवाने नहीं आएगा। मत्ती की किताब में लिखा सातवें अध्याय में और उसी के आठ में लिखा कह रहा है कि जो मांगता है उसे मिलता है। हालेलुया, जो मांगता है उसे मिलता है, जो नहीं मांगता है उसे नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर कोड़ी समझ गया, यहाँ पर लिखा जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है उसे परमेश्वर मिलता है। याद रखना, जो कह रहा है कि अगर आपकी संसार की जरूरत है, अगर आज आप मांग कर जा रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि उसको मिलूंगा जो मांगेगा यहाँ बैठकर आज। आमीन। कह रहे हैं कि आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है जितने भी बंद पड़े ताले हैं, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस में जब तक एक आदमी नहीं आता तब तक उसके ताले नहीं खुलते। लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं चर्च के अंदर नहीं जाना, चर्च के नाम से नफरत है लोगों को, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है मेरी प्रेजेंस तो आज इस वेदी के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा मेरे घर तो आना पड़ेगा, मेरे पास तो आना पड़ेगा। यहाँ कोड़ी समझ चुका है लोगों के कोड़, ये कोड़ी नहीं जा रहा था, ये कोड़ी एक पापी व्यक्ति था, ये अपनी जिंदगी में बड़े पाप करता था, और लेकिन जब ये बीमार पड़ गया, जब इसके जीवन में प्रॉब्लम्स आई, तो समय में इसको किसी ने बताया कि यीशु मसीह के
घर जाना है, अगर तुझे प्रेजेंस लेनी है, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस में जब हम जाते हैं तो कह रहे कि बीमार लंगड़े खड़े हो जाते हैं, अंधे देखने लगते हैं, कोढ़ी चंगाई को प्राप्त करते हैं। अगर आज आप किसी प्रॉब्लम में, आप विश्वास करना आप किसी लाला की दुकान पर नहीं आए, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में उसके घर पर आए हो, आज खाली हाथ नहीं जाओगे। अमीन बोलने वाले आज आजाद होने वाले, हालेलुया बोल कर आज, हालेलुया आजाद हो जाओ, हालेलुया बोल कर आज, हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि मैं एक बार बड़ा बीमार पड़ गया, जब मैं प्रभु में आया नया नया, तो उस समय मैं बड़ा बीमार पड़ गया, मेरे अंदर ब्लड खत्म हो गया और सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मैं प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन उसी समय मुझे किसी ने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और उसने कहा, करे कि ये ले, करे तू चंगा हो जाएगा। लेकिन उस समय में किसी ने मुझे कहा, करे चर्च जाना पड़ेगा। मैंने कहा, भाई चर्च कैसे जाऊंगा, मैं तो जेल के अंदर हूँ, मैं कैसे चर्च जाऊंगा। लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा अगर परमेश्वर तू मुझे चंगा करे तो मैं तेरे पीछे हो लूंगा, हालेलुया। और उसी समय मुझे पता लगा कि जेल के अंदर संडे के दिन कुछ बाहर से कुछ लोग आते हैं और वहां पर बैठकर उनके लिए जो जेल में होते हैं उनके लिए प्रार्थना करके जाते हैं। और उसी समय वहां पर लोग संगति लगाने के लिए उनको अलाउड किया हुआ था। और जब मैं उस मीटिंग में गया, मैं वहां पर बैठा और उसी समय जब वहां पर ले हैंड प्रेयर हुई तो मैं चंगा नहीं हुआ। वो पादरी हाथ रख कर गया, मैं चंगा नहीं हुआ। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा अबे इतनी तारीफ कर रहा था इसकी और चंगा नहीं हुआ। लेकिन उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मेरे साथ बात किया। मैं मानने वाला नहीं था, मैं ढीठ व्यक्ति था, लेकिन मुझे जब वो बाइबल मिली, नया नियम मिला, तो मैं उसको रात को अपनी छाती पर लेकर सो रहा था तो मेरे से एक स्वर्गदूत ने बात किया। उसने कहा मरकुस 1:40 पढ़ क्या लिखा, कह रहा है कि विनती करनी पड़ेगी तुझे अगर आज परमेश्वर तेरे पर हाथ रखे, विनती तेरे को करनी पड़ेगी आज, मुंह तेरे को खोलना पड़ेगा आज, करा मांगना तेरे को पड़ेगा आज। मती के 7:8 में बताया स्वर्गदूत ने मुझे, करा देख क्या लिखा, करा फटी फटी आंखों से देख। मैंने कहा इतना गौर क्यों कर रहा मेरे ऊपर, मैं बोल रहा था इतना मेरे पर जोर क्यों लगा रहा, किसी और पर जोर लगा ले, मैं विश्वास करने वाला नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर ने कहा क्योंकि मैं तेरे द्वारा बहुत सारे लोगों को चंगा किया करूंगा, हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, उसमें लिखा था करा जो मांगता है उसे मिलता है, मेरी समझ में आ गया और मैं रोने लगा। मैंने कहा परमेश्वर मैं इस पादरी का मजाक उड़ा रहा था, मुझे माफ कर, मैं मजाक उड़ा रहा था कि इसके प्रार्थना में दम नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा जो मांगता है उसे मिलता है। सारी रात बैठ कर मांगा, सोमवार भी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आ गया, मुझे नहीं आता। फिर संडे आ गया और फिर संडे को मांगा और परमेश्वर ने क्या किया, अगली बार कह रहा कि जब उसने मेरे सिर पर हाथ रखा, पवित्र आत्मा ने मुझे वहीं पर हीलिंग दे दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं समझ गया जो मांगते हैं वो हम उसको पाते हैं आज परमेश्वर से। अगर आज आप इस बात के लिए आए हैं कि आज पादरी मेरे सिर पर हाथ रखेगा, कोई बाबा नहीं है, झाड़ू नहीं है मेरी पैंट के पीछे कि मैं झाड़ू रखूंगा और झाड़ा लगूंगा चल जा, मैं कह रहा हूं कि आज आपको क्या करना है, आज आपको मांगना है, हालेलुया। मैं कह रहा हूं तीन बार मेरे पास लोग आते हैं, पापा मैंने तीन बार ले एंड प्रे कराया। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, ले एंड प्रे कराया, परमेश्वर आजाद कर दिया, परमेश्वर ने मुझे आज करा, किसी इंसान का हाथ नहीं, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे चर्च, परमेश्वर की प्रेजेंस में आना पड़ेगा। तैयार है कि नहीं? यहां पर लिखा कि जैसे उसने विनती किया और यीशु के पास गया, बोलता है कि प्रभु कह रहा तू मुझे चंगा कर सकता है। और लिखा जब उसने अपने बाहें से कह रहा अपनी बीमारी को कह रहा के परमेश्वर के सामने जब बयान किया, रो रो कर बयान किया, बोल रहा था कह रहा परमेश्वर तू मुझे चाहे तो चंगा कर सकता है, रोने लगा। उसकी आवाज को दम देखकर, प्रार्थना में दम देखकर परमेश्वर को तरस आ गया। वहां पर लिखा कि परमेश्वर ने तरस खाया उसके ऊपर और उसकी हाँ उसके सिर पर हाथ रख दिया और कोढ़ी चंगा हो गया है, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपकी जुबान में दम देखना चाहता है। कह रहा है कि कौन मेरे से मांग कर जाएगा, यहां पर पवित्र आत्मा कह रहा है कि मांग कर जाएगा कि नहीं। हो सकता है कि परमेश्वर का आत्मा, मैं कह रहा हूं कि यहां पर पवित्र आत्मा ने मुझे कई बार बताया, कह रहा है कि जब वर्शिप हो रही होती है, कह रहा मैं लोगों के सामने से निकल रहा होता हूं, हालेलुया। कह रहा कि जब संडे में वर्शिप हो रही होती है, कह रहा मैं उनके सामने से निकलता हूं, बेटे मेरे लोगों को बता देना, कह रहा कि वर्शिप के अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस होती है यीशु मसीह के नाम में।
जब लोग यहाँ पर वर्शिप के अंदर करे गप्पे मार रहे होते हैं, वो अपनी परमेश्वर की प्रेजेंस को खो रहे होते हैं। अगर आज आप यहाँ पर करे, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम घर से जब निकलेंगे, जब पादरी स्टेज पर आ जाएगा तब निकलेंगे, बाकी लोग करे जो लोग वर्शिप में बैठे थे आज वो खाली हाथ नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग आपके हाथ होगी यीशु मसीह के नाम में, आपके साथ होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बिलीव करना, यहाँ गिनती के सारा के चार में लिखा कि एक जगह पर महामारी आ गई, जब इसराइलियों के ऊपर महामारी आए लाखों लोग मर गए, जब वायरस आया यहाँ इंडिया में भी बाहर भी फॉरेन में भी लाखों लोग मर गए। यहाँ पर उसी समय मूसा को बताया परमेश्वर ने, करे के सुन, करे के इनको बताएं कि महामारी को रोकने वाला परमेश्वर जिंदा है, महामारी को खत्म करने वाला परमेश्वर जिंदा है। और उसी समय गिनती के सारा के चार में लिखा, करे के परमेश्वर ने कहा, करे के हाँ पढ़ेंगे, और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू की मैं साक्षी पात्र के आगे जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं रख दे, और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कुल कलियां फूट निकलेंगी, और इसराइली तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा परमेश्वर ने कहा, ये छड़ी होती थी पहले, करा 12 प्रधान होते थे, उनकी छड़ियां होती थी, और इसी समय इस छड़ी पर, करा इस छड़ी के ऊपर परमेश्वर ने कहा, करे कि जा उनको बता, सब लोग प्रधान ऐसे डंडा लेकर घूमते थे। आपकी मैडम क्लास में डंडा लेकर घूमती है कि नहीं? अरे टीचर घूमता है कि नहीं? किस लिए होता डंडा? ये करा बिगड़े हुए को सुधारने के लिए। अरे आ कि ना? अरे डंडा लेकर आया हूं कि नहीं? आज मैं आज बिगड़े हुए को सुधार कर जाऊंगा कि नहीं? करा लेकिन हमारा डंडा नहीं चलने वाला, आज परमेश्वर का डंडा चलने वाला है कि नहीं? करा यहाँ पर पवित्र आत्मा ने कहा, करे कि 12 प्रधान थे और 12 प्रधानों के पास डंडा था, छड़ी थी उनके पास, और उसी समय परमेश्वर ने कहा, करे के सुन, करे के ये छड़ी, करे के जा, करे के आज मिलाप वाले तंबू में रख दे। कहाँ रख दे? करे जिस तंबू के नीचे आप बैठे हो, करे मिलाप वाला तंबू कौन सा? वहां पर लिखा, करे उस तंबू में जहां पर मैं इंसानों से बात किया करता हूँ। अरे आपके घर पर बात नहीं करेगा परमेश्वर। करे कि आज परमेश्वर ने पूरी दुनिया के अंदर मिलाप वाला तंबू वो चर्च को बनाया है। जब आप चर्च जाते हैं संडे के दिन, परमेश्वर बातें करता है चर्च, बातें करता है। करे मैं बात करूंगा, और करे कि जो लोग करे आज तक नहीं बोलते आश्चर्यकर्म है या नहीं है, करे आज आश्चर्यकर्म करूंगा आपकी जिंदगी में। और इसी समय उसने कहा, करे कि क्या आश्चर्यकर्म करेगा? उसने कहा, जा 12 डंडियां 12 छड़ियां करे कि ऐसे रख दे मिलाप वाले तंबू में, क्योंकि और उसी समय करे कि इन सब छड़ियों पर नाम लिख दे। करे किसके नाम? करे फलाने का नाम, ईना मीना डी का लिख दे। लेकिन एक छड़ी के ऊपर नाम लिखा था हारून की छड़ी। सारे बोलो हालेलुया। किसकी छड़ी? सारे बोलो हारून की छड़ी। तुम्हारी माँ की छड़ी नहीं है ये, तुम्हारे बाप की छड़ी नहीं है ये। आज हो सकता है आपके बेटों की, आपके परिवार की छड़ी आप लेकर आए हो साथ में, आप लेकर आए हैं कि नहीं, लेकिन आज तक उस पर फल नहीं लगे। हो सकता है आप छड़ियां लेकर घूम रहे हो, ये सूखा डंडा जैसा शरीर लेकर घूम रहे हो, आप अपनी हड्डियां नसे मांसपेशियां लेकर घूम रहे हैं, लेकिन चंगाई वाली कलियां आज तक नहीं खिली। लेकिन आज रात तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में आयो, आज चंगाई वाली कलियां खिलेंगी, ये डंडे फिर खिलेंगे, ये फूल, करे के इस पर डंडियों पर फूल आएंगे चर्च। आएंगे कि नहीं? हाँ या ना? करे लेकिन ऐसे नहीं आएंगे घर बैठकर ऑनलाइन चर्च। मैंने 10 बार मैंने बोला, मैंने कहा जिसके पास बच्चा नहीं है एक बार विजिट करके जाओ अपने डंडी जैसे शरीर को, करे एक बार चर्च में परमेश्वर की प्रेजेंस में लेकर आओ आज। करा देखो माँ बनेगी, आशीष आई कि नहीं? 14 साल से बच्चा नहीं था, अभी देकर गई गवाही। अरे कहीं दूर की नहीं है, बटिया लेके है। कुछ लोग बोलते हैं पैसे देकर गवाहियां लेते हैं, लेकिन आपके सामने यहाँ पर वो औरत रो रो कर बता कर गई कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में चमत्कार कर दिया जब मैं करे खुदा के चरणों में आई। आज आप परमेश्वर के चरणों में आए हैं, जब परमेश्वर का दास आपको बुलाए इसका मतलब आप परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में आए हो। हालेलुया। ये छड़ी मैं क्यों दिखा रहा हूँ? मैं उन लोगों को दिखा रहा हूँ जो संडे चर्च नहीं आते, आज मैं उनको छड़ी लगाऊंगा। सारे बोले हालेलुया। आज आपको विश्वास करना है। सारे बोले हालेलुया। करे कि यहाँ पर इसी के 8 में देखो क्या लिखा, जब तंबू में रख दी गई छड़ी, 17:8 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे। दूसरे दिन मूसा साक्षी पात्र में तंबू में गया। करे 2 दिन तक प्रार्थना किया। तो सुन रहे कि नहीं? कितने दिन? 2 दिन तक प्रार्थना किया। करे कि शुक्रवार भी प्रार्थना करूंगा तुम्हारे लिए, शनिवार भी करूंगा, संडे के दिन तुम्हारी कलियों, मैं कह रहा हूं तुम्हारे डंडियों पर फल आएंगे, बादाम आएंगे, बादाम। हाँ क्या लिखा? तो क्या देखा? हाँ, कि हारून की छड़ी जो लेवियों के घराने के लिए थी, हाँ, उसमें कलियां फूट निकली। हाँ, अर्थात उसकी कलियां लगने लगी, फूल भी खिले और पक्के बादाम भी लगे। अरे लोग हैरान हो गए, बोलते अरे ये क्या? करा किसी डंडी पर फूल नहीं निकले, करा इस डंडी पर फूल कैसे लग गए? अरे
रहे हैं, लगता है जड़ जब धरती में जाती है बोलते हैं और पानी लगता है तब फूल निकलते हैं, लेकिन ये कैसे? अरे कैसे? लेकिन उसी समय मूसा ने बताया, जितने परमेश्वर की प्रेजेंस में हाथ उठाते हैं, जितने परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, उनके बंद पड़े ताले खुल जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। करा उनके कारोबार खुलेंगे आज, उनके बिजनेस खुलेंगे आज, उनके बच्चों का दिमाग खुलेंगे आज, जो बांझे आज बच्चा जनेंगे यीशु मसीह के नाम में। करा लेकिन अपने डंडी वाले शरीर को, अपने डंडी वाले दिमाग को, अपने डंडी वाले विचार को, अपने डंडी वाले करा सूखे विचारों को, अपने सूखे दिमाग को, अपने सूखे हाथों को, अपने सूखे बिजनेस को आज आपको परमेश्वर के चरणों में लाना है, आज प्रेजेंस में लाना है। यहाँ पर कोड़ी समझ गया है और कोड़ी परमेश्वर के चरणों में जब आया और उसी समय आहे भरने लगा, तरस खा लिया है परमेश्वर ने। मैं कह रहा हूँ कोई आपके ऊपर तरस खाए ना खाए, लेकिन आज मेरा खुदा आपके ऊपर तरस खाने वाला है, तरस खाएगा आज मेरा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि आप अपने शरीर को, अपनी आत्मा, प्राण आत्मा को आज परमेश्वर के चरणों में लाए हो। करें कि और देखो, करें कि इसी समय जब मूसा कमरे में गया तो उसने देखा, दूसरे दिन क्या देखा कि डंडी पर फूल लग चुके हैं यीशु मसीह के नाम में, कलियां खिल चुकी हैं यीशु मसीह के नाम में। अरे कोई जादूगर नहीं है यहाँ पर, करें परमेश्वर की सामर्थ है। और बोलता है, करें ये कैसे, करें ये डंडी पर फूल कैसे आ गए? करें क्योंकि जितने परमेश्वर की प्रेजेंस में आए हैं आपके बाद, आज चर्च के बाद, मैं कह रहा हूँ संडे के बाद, अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आए संडे भी, तो याद रखना सोमवार को लोग आपसे पूछेंगे कि तेरे घर में ये आशीष कैसी आ गई आज। लोग आपसे टेस्टमनी का इंतजार करेंगे। आज आपको बिलीव करना है कि आज बिलीव करने का नहीं, हाँ या ना, विश्वास कर रहे हो कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कोई खाली हाथ नहीं जाएगा चर्च आज, आपकी आशीषें आपका इंतजार करेंगी यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आजाद हो जाओ आज। नीति वचन 30:30 में आज तैयार हो जाओ। देखो क्या लिखा, कितने लोग डरे हुए हैं, कितने लोग डरे हुए हैं। बहुत सारे लोगों प्रेजेंस में आने के बाद परमेश्वर से मांगते नहीं है, लेकिन जो लोग मांगते नहीं है, जो लोग चर्च नहीं आते, उनके घर परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं आती। लेकिन जो लोग आज विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके घरों पर आशीष देकर भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आज, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है जितने चूहे हैं उनको मैं बप्पर शेर बनाकर भेजूंगा आज। अपने पड़ोसी को बोलो, चूहे शेर बनने वाला तू। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपके पड़ोस में कोई चूहा बैठा है, देखो चेक करो कौन हो सकता है वो चूहा। वो चूहा वो है जो यीशु के नाम में बता रहे में डरता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? प्रेजेंस उसके घर कभी नहीं आती जो डरपोक होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, करें कि जो डरपोक हैं, करें वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में कभी नहीं जा सकते। कह रहे जितने लोग दिलेरी के साथ आए हैं कि नहीं, आज मैं तुम्हें बब्बर शेर बना के भेजूंगा, तैयार हो बनने के लिए कि नहीं? yes. देखो वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, क्या लिखा पढ़ के बता पादरी। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है, शेर जो सब पशुओं में ताकतवर है और किसी के डर से नहीं हटता। सारे बोलो हालेलुया, शेर किसी के डर से नहीं हटता। समझ रहे कि नहीं? कह रहे शेर किसी का डराए नहीं डरता। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज हो सकता है आपकी रिपोर्ट ने कह दिया हो कि तुझे कैंसर है, शुगर है, तुझे बीमारी है, तू मर जाएगा, तुझे कोड़ है, तुझे कोई ठीक नहीं कर सकता। अभी क्या औरत बोल रही थी कि मेरी ट्यूबे बंद है, सब डॉक्टर बोल चुके हैं कि तू मां नहीं बन सकती। मैं कह रहा हूं तू डराए किसी के डरना नहीं, शेर किसी के डराए हटता नहीं है। कह रहा है आपके अंदर एक चूहा बैठा है जो आपके मन को तोड़ देता है, और आप प्रार्थना करते हैं और दो दिन मांगते हैं, तीसरे दिन मांगना बंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ पर जो सालों साल से कार मांग रहे थे परमेश्वर से, लेकिन कार नहीं मिली, अब वो साइकिल भी नहीं मांग रहे, उन्होंने मांगना बंद कर दिया। वो चूहे हैं, जो मांगता नहीं है वो चूहे हैं। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ ऑनलाइन चर्च। बहुत सारे लोग मकान मांग रहे थे, एक साल उन्होंने मकान मांगा, परमेश्वर सानू कोठी दे, प्रचार सुनने के बाद बड़ा चंगा लगता है, लोग की कहते प्रभु मैंने कोठी दे, जब नहीं मिलती और बाद मांगना बंद कर देते हैं, मांगना बंद कर देते हैं। इसका मतलब चूहे हैं वो, चूहे हैं। अरे शेर करा मांगने से हटता नहीं है, किसी का डराए से हटता नहीं है। करा मैं तो मांगता रहूंगा, अंधा भिखारी करा मांग रहा था, लेकिन लोगों ने आया, लोगों ने कहा क्या कर रहा है, करा जहां देखता वहीं मांगना शुरू कर दिया, देना करा चला। उसने कहा बे किसी के हटाए हटने वाला नहीं हो, कह रहा तू अंधा है भिखारी है, कह रहा चुप, किसने कहा तुझे अंधा भिखारी हूं, कह रहा मेरा नाम शेर है, शेर। हालेलुया, हटा नहीं वो, मांगता रहा, यीशु उसके सामने से चला गया। लेकिन लोगों ने कहा रहे यीशु चला गया, अरे इसी समय पादरी भी चला गया। एक बार एक आदमी आया यहाँ पर बैठकर प्रार्थना कर रहा था, और लोगों ने कहा, मेरे वॉलंटियर ने कहा चल बाबा क्या कर रहा है, अरे पादरी चला गया, चर्च खत्म हो गया, चलो बाहर निकलो। उसने कहा रे बेशक चला गया होगा,
मैं शेर हूं, किसी के डराए हटने नहीं वाला, मैं मांग कर जाऊंगा यहां पर। पादरी चला गया लेकिन प्रभु तो यही है, विश्वास करा कि नहीं? Yes. और वो बंदे को बवासीर था, राजस्थान से आया था, और जैसे बाहर निकला कह रहा देख ले मेरी धोती में खून क्यों लग रहा, कह रहा बवासीर भाग गया। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा जो भी मांगोगे मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा? चूहों को नहीं मिलेगा, पड़ोसी को बोला ए चूहियां तुझे नहीं मिलेगा, अपने पड़ोसी को बताओ ए चूहे तुझे नहीं मिलेगा, किसे मिलेगा? जो शेर है, शेर कह रहा शेर किसी का डराए हटता नहीं है। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? एक बार एक लड़का था, उसका दोस्त उसे पूछने लगा कह रहा तू इतना मोटा कैसे है? कह रहा राज की बात है, हमारे घर में फ्रिज नहीं है। वो कहता फिर इसका मतलब क्या है? कह रहा हम जितना बनता है उसको हमें जबरदस्ती खाना पड़ता है। आपको समझ रहे कि नहीं? जिनके घर में फ्रिज नहीं है उन्हें खाना पड़ता है, खराब ना हो जाए। आज हो सकता है, कह रहा कि एक आदमी को पता है हमारे घर में फ्रिज नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए, कह रहा कि अगर आज अपना अपने आप ही प्रार्थना करवाई जा रहे हो, अपने आप ही करी जा रहे हो, अपने आप ही मोटे हो जा रहे हो, अपना पैसा अपने आप ही कमा कमा के बनी जेब में ठूसी जा रहे हो, करी जा रहे हो, फिर कह रहा मोटे हो जा रहे हो, नहीं हो जाओ मोटे। लेकिन आज विश्वास करना है, जो दान देने में चूहे चूहे, कई लोग चूहे दान देने में, फिर कहते हैं परमेश्वर प्रेजेंस नहीं आई। मैं कह रहा हूँ शेर बनो, किसी का ड्राई नहीं हटता। पत्नी कहती है क्या कर रहा है, 500 का दे रहा है 10 का डाल। हालेलुया। पत्नी कहती है कि नहीं? कहती है ये क्या कर रहा है, सारी तनख्वाह लुटाएगा क्या, दसवां दे रहा है, क्या कर रहा है? कह रहा है चुईया चुप कर बैठ, मैं शेर हूँ शेर। हालेलुया हालेलुया। हाँ मेरे घर वालों ने रोका एक बार, कर चर्च में जाना, मैंने कहा चुईयो सारे बैठ जाओ। आई एम बब्बर शेर। सारे बोले हालेलुया। और कह रहे हम शेर को घुसने नहीं देंगे घर में। मैंने कहा जाओ ना, शेर जंगल में अकेला चलता है, शेर बाहर घूमता रहा। और परमेश्वर ने एक दिन बब्बर शेर बनाकर भेजा आपके सामने। मैं कह रहा हूं कि आज आपके सामने अगर आप जितना डरोगे उतना आपको शैतान डराएगा, जितना आप अपनी बीमारी से डरोगे आपको डराएगा। और उसी समय परमेश्वर ने उसी समय उसको कहा, कह रहा कि उस रात कोड़ी कभी ना जाता, उसका मन टूट गया था, मरने जा रहा था, सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन कोड़ी के अंदर विचार आने लगे, स्वर्गदूत आने लगे उसके आसपास और उसको कहने लगे अरे तू चूहा नहीं है, शेर है शेर, और शेर किसी के डराए हटता नहीं है, हटता नहीं है। कह रहा कि शेर है तू, एक बार जा यीशु मसीह के पास जा, बेशक तू चूहा क्यों ना हो, तू अपनी बीमारी को लेकर जा रहा है लेकिन चूहा क्यों ना हो, लेकिन आज कह रहा दुनिया की नजर में कह रहा कि अभी तुम चूहे हो, लेकिन जब यहां से जाओगे आज रात के बाद सिर पे लैंड ब्रेक कराने के बाद, कह रहा परमेश्वर बब्बर शेर बनाएगा चर्च। Amen. तुम्हारी कमाई आएंगी आज रात। Amen. करें कि आज रात आएंगी कि नहीं? Yes. अरे शेर बन के जाओगे आज के बाद। कौन कहता है तू मां नहीं बन सकती, तेरे पास बच्चा नहीं है? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस औरत को बताया कि नहीं, तेरे पति का नाम अमरजीत है। परमेश्वर कह रहा है शेर बन शेर। खड़ी होकर बता क्या कह रही थी तू अभी थोड़ी देर पहले कि मैं मां नहीं बन सकती, डॉक्टर ने बोला है तुझे दोनों ट्यूब ब्लॉक है। क्या बताया मैंने तेरे को, तेरे पति का नाम क्या है? अमरजीत है। हालेलुया। परमेश्वर सुनता है। मैं फिर कह रहा हूँ क्या नाम है तेरे पति का? अमरजीत। आप अपने पति को क्या बोलेगी आज जाकर? मुझे बेटा हो गया है। नहीं 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 नहीं, अपने पति को जाके बोलना चूहे मैं शेर हूँ। आज मैं शेर हूँ ना, मैं शेर नहीं हूँ, मैं शेर नहीं हूँ। ना ना वो मारेगा शेर नहीं ना कहियो। नहीं मार। औरतें तो वैसे ही शेर नहीं होती है। सारे बोला हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि इसने क्या करे कि आज पवित्र आत्मा ने मेरे सिर पर हाथ रखा है, अब मैं दुनिया का कह रहे दुनिया की नजर में आज से शेर बनकर घूमूंगा। पवित्र आत्मा ने पतरस को मैं कह रहा हूं क्यों चुना, क्योंकि वो शेर था, चट्टान था वो। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप अपने हृदय को चट्टान की तरह रखेंगे आज परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। क्यों कोड़ी को चंगा किया, क्योंकि अंधे को क्यों चंगा किया? क्योंकि बाइबल में पहले से लिखा, वहां पर बता दिया गया, कह रहे कि वहां पर लिखा था, कह रहे कि अंधा भिखारी यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। आज परमेश्वर उन लोगों को चंगाई देना चाहता है। कह रहा है जो लोग आज फैसला लेंगे, अपने हाथों को उठाओ, आज फैसला लो, आज फैसला लो कि परमेश्वर जब तू मेरे सिर पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा जी आज मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे प्रभु मैं चार लोगों को चर्च में लेकर आऊंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं लोगों के सामने बताऊंगी कि यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मेरे ऊपर तरस खाया है, मैं डरूंगी नहीं। आज परमेश्वर कह रहा है नीति वचन के 30:30 में लिखा शेर किसी का डराए हटता नहीं है। आज आपके विचारों में जो डरा रहा है, आपके दिमाग में आपके रिपोर्ट में कोई डरा रहा है तो आज डरना नहीं, आज बब्बर शेर आपके साथ खड़ा है। परमेश्वर आज चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। तुम यहूदा के शेर हो शेर, शेर हो के नहीं,
यहूदा के शेरो अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो आज। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा जी एक बड़ा मिराकल होने पाए आज इनके साथ यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ी आशीष इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आप तैयार हो कि नहीं? आज तैयार हो कि नहीं? कितने लोग समझ गए आज दान देने में शेर बनोगे कि चूहे बनोगे? प्रार्थना कराने में शेर बनोगे कि नहीं? प्रार्थना कराने में तो हम शेर हैं, शेर। संडे चर्च आने में शेर बनोगे कि नहीं कि चूहे बनोगे? शेर है। मैं कह रहा हूं आज शेरों के ऊपर परमेश्वर मेहरबान होने वाला, आशीष देने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है जो भी मांगोगे मिल जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? मैं इधर देख रहा हूँ।